गाइस आपके सामने एक पिकॉक जो अंदर बाजरा के खेत में दिखाई दे रहा है। मैं छोटे छोटे कुछ क्लिप्स लाया हूँ वीडियोस की, बहुत अच्छी है। इस वीडियो को पूरा देखना है। अब आप सामने देखोगे अंदर इस खेत में इस पिकॉक ने थोड़ी सी जगह बना रखी है नृत्य करने के लिए। अब मैं दूसरी साइड लेके चलता हूँ, लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक ओपन एरिया में घास है बड़ा बड़ा, उसमें ये पिकॉक नृत्य करते हुए खूबसूरती झलकाते हुए। दूसरा एक है ये अर्ध विकसित पंखों वाला, लेकिन वापस वहीं लेके आता हूँ आपको। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस राष्ट्रीय पक्षी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पता है कि 1000 से ज़्यादा वीडियोज में डाल चुका हूँ, जिसमें 70% पिकॉक्स के वीडियो हैं, और मेरे यहाँ पिकॉक्स की भरमार है। एक मेरा व्यूअर है, उन्होंने कई बार पूछा है प्लीज सर रिप्लाई कीजिए कि मेरे यहाँ लोग पिकॉक्स को मार रहे हैं। तो उसके लिए बोलना चाहता हूँ भाई पुलिस को कॉल कर, बहुत बहुत तगड़ा केस बनता है जो पिकॉक्स को मारता है उसके ऊपर। मारना क्या, पालना भी इसको गैरकानूनी, अपने देश में राष्ट्रीय पक्षी है। तो उस भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी 100 नंबर पे कॉल करे और उन लोगों की शिकायत करे जो पिकॉक्स को मारने की कोशिश करते हैं या उनकी शिकार करते हैं या उनके पंखों के लिए मार देते हैं। पंख तो ये अपने आप गिराते हैं साल में एक बार, पंखों के लिए क्या हत्या करनी इस खूबसूरत जानवर की। तो दोस्तों पिकॉक्स की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर पिकॉक आपके सामने देखो, जैसे ही आसपास कोई मादा दिखाई नहीं देती है तो ये अपने पंखों को धीरे 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 जब डाउन करता है तो ये नज़ारा भी देखने लायक है, खूबसूरत। वाह, अब देखो कितने एरिए से इसके पंखों को फैला कर बैठा हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।